एम दास पलांगे, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस मतलब विज्ञान का 10वां इकाई। इससे पहले वाला जो आपका 9th इकाई है, 9 चैप्टर है, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो है इस जो क्लास में कक्षा 10वीं जो साइंस का वो 10वां जो चैप्टर है, ये हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपका प्रकाश और साथ में दिया है परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह से बोल रहा है। ये आपका लेसन का क्या है, आपका नाम है, और इसमें हम लोग पूरा प्रकाश उस साथ में परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश क्या है, आप इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश। फिर इसमें क्या दिया है, परावर्तन अपवर्तन है ना, प्रकाश तथा या और परावर्तन और अपवर्तन तथा अपवर्तन दिया है, क्या दिया है, प्रकाश और परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, समतल सतह से अपवर्तन समतल सतह से, समतल सतह से, ये आपका क्या है, लेसन का नाम है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन समतल सतह से। आप पहले वाला क्लास में आप प्रकाश के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जो प्रकाश होता है एक प्रकार का क्या होता है भाई, ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। और ये जो प्रकाश होता है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रकाश में तरंग के जैसा भी गुण पाया जाता है और कण के जैसा भी क्या होता है, गुण पाया जाता है। तो फिलहाल हम प्रकाश के बारे में क्या कर सकते हैं, इतना जानकारी यहाँ से ले सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश क्या होता है, हमारा ऊर्जा होता है एक प्रकार का। और ये जो होता है वो तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है और क्या करता है, हमारा कण के जैसा भी क्या करता है, व्यवहार करता है। अर्थात इसमें द्वैती प्रकृति पाया जाता है। कैसा प्रकृति पाया जाता है भाई, द्वैती प्रकृति पाया जाता है। द्वैती प्रकृति मतलब दो जैसा गुण क्या होता है आपका पाया जाता है, एक हमारा तरंग के जैसा और एक हमारा क्या होता है, हमारा कण के जैसा। ये किन में होता है, हमारा प्रकाश में देखने को मिलता है, है ना। तो प्रकाश क्या है भाई, एक ऊर्जा है, ठीक है, या ऊर्जा का एक रूप है, एक ऊर्जा होता है। और ये जो प्रकाश होता है उसका दो गुण होता है, एक तरंग के जैसा और कण के जैसा। वैसे कण के जैसा होता है तो उसको फोटान मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, इसको फोटान कहा जाता है। ये सब 9th क्लास का है, ठीक है। अगर कण के रूप में हो तो उसको फोटान बोलते हैं ना। फोटान क्या होता है, ये बोला जाता है कि जो सूर्य प्रकाश होता है ना, वहाँ से जो क्या करता है, हमारा जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, फोटान के रूप में क्या होता है, हमारा हमारे पास आता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में क्या होता है, आता है। तो इस तरीका से प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा होता है और जिसमें आपका दो गुण होता है, एक तरंग के जैसा और एक कण के जैसा होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, द्वैती प्रकृति पाया जाता है। आपने ये भी पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या करता है भाई, हमारा सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में क्या करता है, आपका गति करता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश किस में गति करता है भाई, सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं, मान लो खाली स्थान में क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश की गति कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। वैसे इसके गति दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। तो इनकी गति कितने होता है, हमारे दो प्रकार की गति होता है ना, एक होता है अनुप्रस्थ गति और एक होता है अनुदैर्ध्य गति, है ना। अनुप्रस्थ होता है और एक क्या होता है, हमारा अनुदैर्ध्य होता है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अनुदैर्ध्य मतलब इस प्रकार से जो गति होता है और अनुप्रस्थ इस प्रकार से क्या होता है, जो गति होता है। तो हमारा प्रकाश की गति वैसे कितना होता है, दो प्रकार की गति होता है, एक अनुप्रस्थ गति और एक होता है अनुदैर्ध्य गति। और अनुदैर्ध्य गति इसमें क्या होता है, जितना नीचे उतना ऊपर, फिर नीचे ऊपर, इस प्रकार का गति को अनुदैर्ध्य और इस प्रकार का जो गति होता है उसको अनुप्रस्थ गति कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप है,
है या एक प्रकार का ऊर्जा है जिसमें तरंग के जैसा और कण के जैसा दोनों के जैसा व्यवहार होता है, अर्थात प्रकाश की क्या होती है, द्वैती प्रकृति होती है। और ये जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक क्या होती है भाई, सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। अब ये जो प्रकाश होती है उसको कैसे प्राप्त की जाती है भाई, ये तो हमको समझ आ गया कि जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है। अब ये प्रकाश को कैसे प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो प्रकाश होती है या जो प्रकाश के जो स्रोत होती है ना, प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, जैसे सूर्य क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। तो जो प्रकाश स्रोत होता है वहाँ से जो प्रकाश निकलता है, अब ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग डायरेक्ट पकड़ लें, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर जो प्रकाश स्रोत निकलता है उस प्रकाश स्रोत को अगर हम क्या करते हैं, जैसे दर्पण हो गया, क्या होता है हमारा जो दर्पण होता है, साथ में जो क्या होता है आपका काला रंग का जो क्या होता है पात्र होता है, या काला जो पात्र होता है उस पात्र में अगर हम क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, उस पर जाने देते हैं, जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, सन जिसको लिख देते हैं। अब ये जो सूर्य का प्रकाश है ये क्या हो गया आपका, प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत हो गया। अब इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले जो क्या होते हैं, जो प्रकाश होते हैं, अगर उसको हमको पकड़ना है, उनको प्राप्त करना है, तो उसको हम लोग किस में टकराते हैं भाई, दर्पण पर क्या करते हैं, उसको आने देते हैं। दर्पण क्या करता है, जैसे ही दर्पण पर जाता है प्रकाश क्या होता है, वो उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, या काला रंग का जो पात्र होता है वो उस पर जाता है तो क्या कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है। और इस प्रकार से हमारा हम देखते हैं कि प्रकाश क्या कर रहा है आपका, कि जब प्रकाश स्रोत से निकलता है और प्रकाश स्रोत से निकलने के पश्चात वो दर्पण पर जा कर के जो एक एक चिकनी चिकनी सतह वाला सतह होता है उससे टकराता है, और टकराने के पश्चात क्या हो जाता है, जब वो वापस आ जाता है या दूसरे मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रकाश का क्या कहलाता है आपका, परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन क्या होता है भाई, तो जब कोई प्रकाश किसी सतह से क्या करता है, टकराता है, और टकराने के पश्चात क्या करता है, जब जो है उसका मार्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है या वापस आ जाता है, तो ना, तो उस स्थिति में मतलब प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस आना या किसी दूसरे रूप में क्या हो जाना, आपका परिवर्तित हो जाना, ये प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन अगर प्रकाश आर पार निकल जाता है उस स्थिति में वो अपवर्तन को क्या करता है, शो करता है, जो हम आगे आगे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि जो भी क्या होता है, जो प्रकाश का स्रोत होता है उसको अगर हम काला के दर्पण हो गया, काला का पात्र हो गया, या दर्पण में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो वो किरण हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, या हम उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो परावर्तन होता है वो प्रकाश के किसी सतह से टकराने पर ही क्या होता है, आपका परावर्तन दिखने को मिलता है, और परावर्तन के वजह से ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं भाई, देख पाते हैं, है ना। आपको पता होगा कि जब तक हम क्या करते हैं, वह किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, जब तक कि वह वस्तु क्या करता है, उस पर पड़ने वाला प्रकाश को परिवर्तित नहीं करता है। अगर पड़ने वाला प्रकाश को परिवर्तित करता है ना, तभी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लो सामने में क्या है हमारा, कोई वस्तु रखा हुआ है, तो हम उस वस्तु को तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कि वह अपने में पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित नहीं करता है। तो जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है ना, तो उस प्रकाश में कुछ प्रकाश को ले लेता है और बाकी प्रकाश को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और उस परिवर्तन से ही आपको वह वस्तु दिखाई देता है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ से प्रकाश का टकरा करके वापस आना, है ना, वो आपका परिवर्तन कहलाता है, और परिवर्तन के वजह से हमको सारे वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ बातें आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग प्रकाश के स्रोत से दर्पण पर काले जो भी पात्र है वहाँ से हम किरण को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब ये होता है कि कुछ हमारे क्या होते हैं, पदार्थ ऐसे होते हैं, है ना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पदार्थ क्या करता है, प्रकाश के जो भी मार्ग होता है उस पर क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। जैसे हमारा क्या होता है, सूर्य प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ा, और अगर वह पदार्थ क्या करता है, उस प्रकाश
के मार्ग में या प्रकाश के जो है जाने में अगर क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, तो वो रुकावट के कारण ही आपका क्या होता है, वस्तु का या पदार्थ का क्या होता है, छाया प्राप्त होता है भाई। क्या प्राप्त होता है? छाया प्राप्त होता है, छाया बनता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, यदि प्रकाश किसी वस्तु पर टकराए और उस प्रकाश के मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है या वस्तु क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तब जा करके क्या होता है, वहाँ पर छाया बनता है या छाया आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार से छाया के बनने के आधार पर जो पदार्थ होता है उसको दो प्रकार से हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ मतलब जिसके आर पार प्रकाश क्या हो जाता है, गुजर जाता है ना, वो पारदर्शी होता है, उसका छाया आपको देखने को नहीं मिलता है। और एक क्या होता है हमारा, अपारदर्शी होता है। एक क्या होता है हमारा, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश टकराने के पश्चात जो है आर पार ना निकल के क्या हो जाता है, वो उसके मार्ग में थोड़ा सा विचलन आ जाता है, और उस स्थिति में आपका क्या होता है, उस वस्तु का छाया आपको क्या होता है, देखने को मिलता है या आपको छाया वहाँ पर उसका बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब हम पर पड़ता है तो हमारे बॉडी के आर पर नहीं जाता है, है ना, इस कारण से हमारा छाया क्या हो जाता है, आपका पीछे बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकाश के मार्ग में क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और बाधा उत्पन्न करने के कारण ही हमारा छाया आगे या क्या होता है, आपका पीछे बनता है। तो कोई भी वस्तु जो प्रकाश के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वो बाधा के कारण वस्तु का क्या होता है, छाया बनता है या छाया प्राप्त होता है। आगे हम उसी छाया से रिलेटेड जानकारी क्या करने वाले हैं, इस लेसन में प्राप्त करने वाले हैं, जो आपकी क्रियाकलाप एक में क्या किया गया है, दिया गया है। तो फिलहाल वो क्रियाकलाप तो हम करेंगे, फिलहाल ये आपका एक सामान्य परिचय था, जो परिचय आपको जानना है, जो आपको खाली स्थान के तौर पर आपको क्वेश्चन कर सकता है। देखिए भाई, 10वीं क्लास है, है ना, क्वेश्चन तो आपका इसी लेवल पर पूछता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ को खुद से जो है जानने की आवश्यकता होता है। सभी चीज़ को लिखा नहीं जाता है, बहुत सारा चीज़ को समझा जाता है और समझ के क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि प्रकाश कैसा होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा होता है, जिसमें तरंग के समान, कण के समान क्या होता है, आपका गुण पाया जाता है, अर्थात दो गुण देखने को मिलता है, मतलब ये द्वैती प्रकृति को शो करता है। तो आप पिछले कक्षा में आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है, और प्रकाश जो होता है उस प्रकाश को हम प्रकाश स्रोत से, दर्पण से, या काले रंग का जो क्या होता है, कोई भी आपका पात्र होता है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो प्रकाश के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उस स्थिति में वो उस वस्तु का या उस पदार्थ का क्या कर छोड़ जाता है, छाया क्या कर जाता है, छोड़ जाता है। आगे हम इस छाया का अध्ययन क्रियाकलाप एक में करने वाले हैं, और इस लेसन में हम परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में क्या करने वाले हैं, पूरे डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो परावर्तन तो मैं बता दिया, अगर किसी प्रकाश का किसी सतह से टकराने के पश्चात वापस आना या कई मार्ग में विचलित हो जाना, ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा, अगर हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से दर्पण ले लें, और दर्पण लेने के पश्चात क्या करें, प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है, उसको अगर हम क्या करें, इसमें आपतित करें, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हम दूसरे के आँख पर क्या करते हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं, जिससे आँख में चमक उत्पन्न होता है। तो आपको चमक उत्पन्न किसके वजह से हुआ, क्योंकि प्रकाश दर्पण की सतह से टकरा के क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया आपका कुछ रिलेटेड बातें। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसके पास, क्रियाकलाप के पास। किसके पास भाई, हम लोग क्रियाकलाप के पास चलते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप एक के पास हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रियाकलाप वन, क्रियाकलाप हम देखते हैं एक। तो ये क्रियाकलाप एक है जो कि छाया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है हमारा,
छाया को बताने के लिए क्रियाकलाप वन क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, एक स्केल का पहले इस प्रकार से एक चित्र दिया है, ठीक है। वैसे स्केल बनाना आता होगा, है ना, हमको जैसे आता है हम बना देते हैं भाई, ठीक है। छोटा स्केल लग रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल इस प्रकार से बना देते हैं और फिर एक पेंसिल के जो क्या करते हैं, जो चित्र है उसका अध्ययन करने वाले हैं, छाया का अध्ययन करने वाले हैं। ये दस्ट होता है, ऐसे कर देना आप। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से दस हो गया, ऐसे करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हम ये अपने मन से कर देते हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं। ये आपका इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्केल हमारा क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है। ये स्केल बन जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्केल के एक सतह पर हम क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो एक हमारा प्रकाश उत्पन्न करने वाला स्रोत हम क्या करते हैं, मोमबत्ती लगा देते हैं। भाई हमारे पास सूर्य को थोड़ी लाएंगे यहाँ पर अब, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ठो मोमबत्ती, जो कि क्या होता है, हमारा प्रकाश का क्या होता है, ये स्रोत होता है। ये मोमबत्ती दिख रहा है, प्रकाश का क्या है, स्रोत है, ये लगा देते हैं। उसके पश्चात एक आलू को हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, आलू है, उसको इस प्रकार से क्या करते हैं, बराबर भागों में चाकू से बढ़िया काट देते हैं। और काटने के पश्चात यहाँ पर जो आलू है उसको रख देते हैं। उसको इसलिए काट देते हैं क्योंकि वो अच्छा से क्या हो सके, इसके ऊपर बैठ सके, इसलिए उसको हम बराबर, क्योंकि गोल गोल रहता है उसमें, डायरेक्ट पेंसिल को अगर हम क्या करते हैं, गड़ा के अगर करते हैं तो फिर इधर उधर वो हिल डोल सकता है। इसलिए आलू को काट करके वहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंसिल को क्या कर देते हैं, गड़ा देते हैं भाई। तो एक हमारा पेंसिल होता है, ये हमारा पेंसिल है, जो क्या कर दिया जाता है, उस पर गड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो गड़ा देते हैं फिर पेंसिल को किसके ऊपर, वो जो आलू लिए हैं काट के उसके ऊपर, ताकि वो फिक्स रहे। तो ये आपका क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, पेंसिल है, ठीक। और इस पेंसिल पर हम क्या करते हैं, एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर हमारा, 10 जो सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर एक आलपिन क्या कर देते हैं, गड़ा देते हैं। और ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या होता है, जो 10 सेंटीमीटर का जो अंतराल होता है, इस 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर हम क्या करते हैं, एक आलपिन को क्या कर देते हैं, आपका इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तक के ही छाया को हमको क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मोमबत्ती हो गया, जो कि आपका प्रकाश का क्या होता है भाई, स्रोत होता है। मोमबत्ती हो गया, है ना, जो कि प्रकाश का स्रोत है। ये पेंसिल है, ये क्या है हमारा, पेंसिल है, जो कि क्या है हमारा, एक वस्तु है जिसका हमको छाया को क्या करना है, गणना करना है। तो इस पेंसिल को हम क्या करते हैं, एक कटा हुआ जो आलू हो रहता है उस आलू में गड़ा करके उसको एक व्यवस्थित कर देते हैं, और ऊपर से लेकर के आपका लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पेंसिल जो है आलपिन को क्या करते हैं, मोम से चिपका देते हैं, ठीक है। और उस स्थिति में ये हमारा ए की स्थिति शो करता है और बी की स्थिति को क्या करता है, आपका ये शो करता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पर्दा लगा देते हैं भाई, क्या लगा देते हैं, पर्दा यहाँ पर लगा देते हैं, पर्दा जिस पर हमारा छाया क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीका से एक हमारा ये क्या होता है, आपका पर्दा यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होता है, पर्दा होता है। और ये जो पर्दा होता है उसको हम H1 से क्या करते हैं, यहाँ पर दर्शाते हैं, जो पर्दा को क्या करता है, शो करता है, जहाँ पर आपको छाया क्या होता है, प्राप्त होता है। वो भी किसका छाया भाई, पेंसिल की छाया प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया है, अगर पेंसिल को लें और आपका मोमबत्ती अर्थात प्रकाश के स्रोत को दें, तो यहाँ पर का जो बीच का दूरी होता है, किसके किसके बीच की दूरी, ये आपका पेंसिल और आपका जो क्या होता है, मोमबत्ती होता है, इनके बीच की दूरी को क्या रखा गया है, डी नॉट, है ना, डी जीरो बोल सकते हैं या डी नॉट बोल सकते हैं, जो कि किसके किसके बीच की दूरी, ये आपका जो मोमबत्ती है और यहाँ पर क्या है आपका पेंसिल है, उसके बीच की दूरी को शो करता है। और इसको अगर हम क्या करें, ये जो आपका स्रोत है उसको, और आगे आपका जो क्या होता है, आपका जो ये जो पर्दा होता है, उनके बीच की अगर हम दूरी को क्या करें, शो करें, तो यहाँ पर DS से क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीका से ये चित्र आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपका जो है छाया की क्रियाविधि को समझाने के लिए क्या किया गया है, चित्र दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में परिवर्तन करके, किस में परिवर्तन करके, मोमबत्ती की स्थिति में, साथ में आपका पेंसिल की स्थिति में, और जो पर्दा लगा हुआ है इस पर्दा की स्थिति में,
है ना, परिवर्तन करने के पश्चात होने वाला जो भी छाया में परिवर्तन होता है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्दा। अब हम क्या करते हैं, तीनों की स्थिति में चेंज कर करके देखते हैं, है ना, पेंसिल की स्थिति में, पर्दे की स्थिति में, है ना, उसके अलावा आपका ये जो प्रकाश का स्रोत है उसकी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करने से ये जो छाया बना हुआ है फिलहाल 10 सेंटीमीटर का, उस छाया में क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो फिलहाल छाया कैसे बना, तो छाया इसलिए बना कि जो प्रकाश स्रोत हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो मोमबत्ती होता है, वो मोमबत्ती जब क्या करता है, ये 10 सेंटीमीटर जो हम लोग रखे हैं उससे जब क्या करता है, टकराता है, तो ये इस प्रकाश के मार्ग में क्या करता है, ये पेंसिल बाधा उत्पन्न करता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका छाया उत्पन्न होता है। और ये जो छाया होता है, उस छाया की स्थिति जो होता है वो प्रकाश स्रोत पेंसिल के स्थिति में या पर्दे की स्थिति में क्या करने से, आगे पीछे परिवर्तन करने से क्या होता है, आपका उस पर जो आपका छाया भी हो क्या होता है, परिवर्तित होते जाता है। तो वो परिवर्तन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर कैसे परिवर्तन होता है वो हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी क्या होता है हमारा प्रकाश स्रोत हो गया, है ना, पेंसिल तथा पर्दा में, है ना, परिवर्तन करने से छाया में होने वाले परिवर्तन को, आगे निम्न बिंदु के आधार पर समझते हैं। होने वाले परिवर्तन को आगे निम्न बिंदु के आधार पर समझते हैं। तो इसमें आपका पहला बिंदु दिया गया है, यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका जो प्रकाश स्रोत है और पेंसिल के है इसके बीच की दूरी को घटा देते हैं, और अगर हम पर्दे की दूरी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंसिल और प्रकाश के जो स्रोत है उनके बीच की दूरी घटाते हैं और पेंसिल और पर्दे की दूरी की बीच की दूरी को घटा देते हैं, तो उस स्थिति पर छाया क्या होता है आपका, बड़ा बनता है। तो लिख सकते हैं, पेंसिल व प्रकाश के स्रोत अर्थात क्या है हमारा, मोमबत्ती के दूरी को घटा देते हैं और पेंसिल तथा पर्दे के दूरी को बढ़ा देते हैं तो छाया का आकार बढ़ जाता है, छाया का आकार बढ़ जाता है तथा पेंसिल और प्रकाश स्रोत की दूरी घटा दें तो छाया कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि हम क्या करते हैं,
ये जो मोमबत्ती है और ये हमारा पेंसिल है, इनकी दूरी को कम करें और उसके पर्दा और पेंसिल के जो दूरी है उसको बढ़ा दें, तो उस स्थिति में छाया क्या होता है, बड़ा बनता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसकी दूरी को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपका जो छाया होता है वो आपका क्या होता है, आपका कम बनता है, छोटा बनता है। ये पहला इस चित्र को देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, इसमें जो पेंसिल होता है और हमारा जो क्या होता है, प्रकाश स्रोत होता है, पेंसिल होता है और क्या होता है हमारा प्रकाश स्रोत, या हम ये बोल सकते हैं पेंसिल और हमारा ये जो पर्दा होता है उसकी स्थिति को फिक्स कर देते हैं और जो भी प्रकाश स्रोत होता है उसको कम या क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उस स्थिति पर भी आपको क्या होता है, इसका जो आपका पर्दा पर जो छाया होता है वो क्या होता है, आपका कम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ भाई, ठीक है, या दूसरे में पेज ले करके लिख देता हूँ कि यदि क्या करें, पेंसिल और पर्दा की दूरी को फिक्स करें, ठीक है, और अगर हम क्या करें, मोमबत्ती को क्या करें, पास लाएं तो छाया बढ़ता है, और मोमबत्ती को पेंसिल से दूर करें तो छाया क्या होता है आपका, घटता है। तो चलिए लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, यदि यदि पेंसिल पेंसिल और पर्दे पर्दे की स्थिति को स्थिति को स्थिति को स्थिर कर देते हैं, स्थिर कर दें और प्रकाश स्रोत को स्थिर कर दें तथा स्थिर कर दें और प्रकाश स्रोत को पेंसिल के निकट लाएं तो छाया का आकार बढ़ता है तथा दूर ले जाने पर प्रकाश स्रोत को दूर ले जाने पर छाया घटता है। तो इस तरीका से दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यदि हम पेंसिल को और पर्दा को फिक्स रखें, पर्दा को क्या रखें, फिक्स रखें, और प्रकाश के स्रोत को अगर हम क्या करें, पेंसिल के पास ले जाएं तो छाया बड़ा, और अगर इधर प्रकाश स्रोत को ज़्यादा दूर करें तो छाया आपका क्या होता है, कम बनता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 2 पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रकाश स्रोत होता है मोमबत्ती और ये जो पेंसिल होता है उसको अगर हम फिक्स करें और पर्दा को अगर हम क्या करें, कम ज़्यादा करें, तब भी हमारा क्या होता है, आपका छाया में परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि इन दोनों को फिक्स करें और पर्दा को अगर दूर ले जाएं, पर्दा को क्या करें, अगर हम थोड़ा सा दूर ले जाएं, उस स्थिति में छाया क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और पास लाएं तो उसका क्या हो जाता है, आपका छाया जो है आपका क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो थोड़ा सा दूर होगा तो आपका जो है आपका क्या होगा, आपका छाया बड़ा, और पास लाएं तो छाया क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थर्ड, यदि पेंसिल और प्रकाश स्रोत अर्थात मोमबत्ती है ना, प्रकाश स्रोत मतलब यहाँ पर कौन है हमारा, मोमबत्ती को स्थिर कर दें और पर्दा की दूरी को बढ़ाएं तो छाया
बढ़ता है और पास लाने पर घटता है, पास लाने पर घटता है। तो इस तरीका से जो तीन पॉइंट है वो तीन पॉइंट यहाँ पर देख करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी क्रियाकलाप में अध्ययन कर रहे हैं, छाया का। तो यहाँ पर आपका तीन वस्तु है हमारा, एक जो है प्रकाश स्रोत है, एक पेंसिल है और एक क्या है हमारा पर्दा है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रकाश स्रोत होता है यहाँ से जो क्या होता है प्रकाश निकलता है, जब ये मोमबत्ती पर पड़ता है तो मोमबत्ती इस प्रकाश के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इस कारण क्या होता है, इनका जो छाया होता है वो उसके पीछे बनता है। अब ये क्या होता है, जो छाया बना हुआ है वो छाया का जो मान होता है वो ये पेंसिल में और हमारा क्या होता है आपका जो ये जो प्रकाश स्रोत है और जिसमें छाया बना है, जिस पर्दा में छाया बना है, उन तीनों की स्थिति में अगर हम क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं तो जो छाया होता है वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि हम क्या करते हैं पेंसिल और ये प्रकाश स्रोत को पास में रखते हैं और पर्दा और क्या करते हैं पेंसिल को दूर रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, छाया आपका बड़ा बनता है। अगर हम क्या करते हैं पेंसिल और जो प्रकाश स्रोत को दूर रखते हैं तो वहाँ पर पर्दा पर क्या होता है आपका जो है छाया आपका छोटा बनता है। तो इस तरीका से जो तीन पॉइंट होता है यहाँ पर ये देखने को क्या होता है मिलता है। और इस प्रकार से बनने वाला जो क्या होता है आपका जो छाया होता है उसका गणना यहाँ पर एक सूत्र दिया है, उस सूत्र के द्वारा क्या किया जा सकता है, जो भी बनने वाला जो छाया है वो कितना बन रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा है, वो एक समीकरण से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वो दिया है आपका पहला है वस्तु की लंबाई। यहाँ पर क्या होता है, वस्तु की क्या होता है हमारा जो लंबाई होता है उसको आपको क्या करना है यहाँ पर रखना है, बताना है, और उसके बाद लिखना है यहाँ पर वस्तु तथा प्रकाश की दूरी, है ना। तो ये वस्तु की क्या हो गया आपका लंबाई बटा यहाँ पर क्या लिखना है आपका वस्तु तथा प्रकाश की बीच की दूरी। ये हमारा पहला हो गया और इसी के बराबर होता है आपका वो होता है छाया की लंबाई। नीचे लिख सकते हैं छाया व प्रकाश की बीच की दूरी। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक सूत्र याद करते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु की लंबाई जो दिया रहेगा, वस्तु तथा प्रकाश के बीच की दूरी जो होता है वो भी आपको दिया रहेगा, और इसके बराबर होता है छाया की लंबाई, छाया व प्रकाश के बीच की दूरी। यहाँ पर जो वस्तु होता है उस वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु की जो लंबाई होता है उसको यहाँ पर h से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं भाई, इसको h से दर्शाते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो क्या होता है वस्तु तथा प्रकाश की दूरी होता है उसको d नॉट से दर्शाते हैं, और इसका जो मान होता है वो छाया की लंबाई जो कितना होता है हमारा a होता है आपका h1, ये कितना होता है हमारा h1 से इसको दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो क्या होता है छाया और प्रकाश की जो दूरी होता है उसको ds से क्या करते हैं दर्शाते हैं। जब इसका मान ज्ञात करना होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है छाया की लंबाई ज्ञात करना रहता है, तो इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं और इस तरीका से इसका जो मान होता है h ये हो जाता है आपका ds अपॉन क्या हो जाता है आपका d नॉट, ये आपको क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से एक समीकरण क्या होता है प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं इसका जो मान ज्ञात करते हैं तो इसको इस तरफ क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है h1, ये हो जाता है hds अपॉन डी नॉट को प्रदर्शित करता है। तो इस मान का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं किसी भी वस्तु की लंबाई को, छाया की लंबाई को, या जिसका भी लंबाई आपको ज्ञात करना है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या दिया है
कि मोमबत्ती से पेंसिल की दूरी क्या है हमारा डी नॉट है, मोमबत्ती से पर्दे की दूरी क्या है डी एस है, पेंसिल की लंबाई कितना सेंटीमीटर बताया 10 सेंटीमीटर, तो सूत्र से छाया की लंबाई आप क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो सूत्र क्या था हमारा, ये था हमारा सूत्र एच वन बराबर कितना है एच, उसके बाद दिया है डी एस अपॉन क्या होता है डी नॉट क्या किया है हमारा दिया गया है। तो उस सूत्र में हम क्या करते हैं मान को हम लोग रखते हैं, और मान को रख करके हम क्या कर सकते हैं जो भी समीकरण दिया है उसको बता सकते हैं। जैसे मोमबत्ती से पेंसिल की दूरी डी नॉट का मान कितना दिया है, चलिए यहाँ पर रखते हैं एच वन बराबर देखो कितना दिया है भाई इसका 20 दिया है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20, डी नॉट का मान कितना दिया है 20, उसके बाद कितना दिया है हमारा ये डी एस का मान दिया है कितना हमारा 10 दिया गया है, उसके बाद हाई कितना दिया है भारत पेंसिल का 10 दिया है, तो ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं ये हो गया 10 दहम कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 20, तो ये हमारा कट गया, तो 2 पंचे कितना हो गया हमारा ये 10 क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है भाई हमको 5 हमारा जो है सेंटीमीटर के हिसाब से दिया गया है, तो 5 सेंटीमीटर क्या होता है हमारा जो हमारा दिया गया जो सूत्र है उसके आधार पर जो आपका लंबाई होता है छाया का वो कितना होता है आपका 5 सेंटीमीटर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर करेंगे तो ये तो सब में कितना होगा 10 सेंटीमीटर, सब में कितना होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना करेंगे, अब यहाँ 10 था तो यहाँ पर कितना करेंगे आप 20, तो कितना हो जाएगा आपका 20 दहम कितना हो जाएगा 200 है ना, 20 पंच देखो ये कितना हो गया हमारा सुनम सुनम तो कितना हो गया 20, 20 हो गया, तो 20 पंच कितना होता है 100, तो 20 दहम 200, और 200 बटे कितना कर देंगे अगर 200 कर दें 20 कर देंगे तो ये खत्म हो गया, तो कितना बचा 2 दहम 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आगे आप कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं देखो डी टू को मान कितना दिया है हमारा, डी टू का मान आपका दिया है इस बार 30 दिया गया है, डिवाइडेड बाई कितना है ये तो 30 हो गया, ऊपर में कितना है हाई कितना है हमारा 10, ये मान कितना है हमारा 10, तो 10 दहम कितना हो गया 100 बटे 30 हो गया, तो ये लगभग 3/3 कितना हो जाता है आपका 9 हो जाता है, 3/3 कितना हो गया 9, उसके बाद पॉइंट में आ गया तो 3/3 9, तो लगभग ये हमारा कितना हो जाता है 3.33 आपका क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीका से आप उस सूत्र का प्रयोग करके दिए गए ये जो मान है उसको आप क्या कर सकते हैं भर सकते हैं, इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फिर से इसमें चले जाएंगे हम लोग मान लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये जो मान होगा उस मान के आधार पर हम देखें तो क्या हो सकता है भाई हमारा ये जो मान है कितना है देखो लगा दो उसमें, इसका मान कितना है हमारा नीचे कितना है 30, ऊपर में कितना है हमारा वो दिया है आपका एच का कितना हो गया 10, इसका मान दिया है कितना हमारा देखो ये हो गया 20, तो उस स्थिति में कितना हो जाता है आपका जो है 20 से हम लोग करेंगे तो 20 दहम कितना हो जाता है आपका 200 हो जाता है, ये 30 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 छक्का कितना हो गया 18, 3 छक्का 18 हो गया, फिर 20 हो जाएगा, तो लगभग ये 6 पॉइंट क्या होता है हमारा 6 6 क्या होता है प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 इस प्रकार से मान को हम क्या कर सकते हैं सभी का प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके किसी का भी लंबाई किसी भी छाया का या किसी भी वस्तु का लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो आज हम इतना ही जो है पर क्या करते हैं ख़त्म करते हैं, आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं भाई। तो आप भी क्या करें ऐसा क्वेश्चन लेकर उसको बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।